हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी क्या होता है। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये एक ट्यूटोरियल होगा जिसमें 5 से 6 वीडियोस होंगे। और ये ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी के जो लेवल्स है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, जैसे हम कुकीज़ और सेशंस देखते हैं वेबसाइट पे, तो वो कैसे करना है वो बताएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो उसका हैशिंग इंक्रिप्शन कैसे होता है, यूज़र साइन इन साइन अप का, तो ये सब इन्वॉल्व होगा। और जो नेक्स्ट वीडियोस के लेवल्स में जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ ये ट्यूटोरियल का तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ये ट्यूटोरियल एकदम फ्लो में देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो व्हाट इज़ व्हाई ऑथेंटिकेशन, कि हमें वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन क्यों करना चाहिए। तो हम जब भी कोई नया वीडियो वेब ऐप या वेबसाइट बनाते हैं यूज़र्स के लिए, तो यूज़र्स वो वेबसाइट पे इंटरेक्ट करते हैं और डेटा जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ई शॉपिंग वेबसाइट पे विज़िट करते हो जैसे अमेज़ॉन, और आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करते हो। और कोई एग्जांपल, हम इंस्टाग्राम पे विज़िट किया तो वहाँ हम मैसेजेस करते हैं या कोई पोस्ट लाइक करते हो, इस तरह का डेटा जनरेट करते हैं। तो हर एक यूज़र्स के साथ वो डेटा हमें एसोसिएट करना होता है, तो वो उसके लिए हम हर एक यूज़र का एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। पर जब हमारे वेबसाइट पे विज़िट करता है तो वो साइन अप कर सके विद देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और जब वो अगली बार दूसरी बार आता है तब वो साइन इन कर सकता है विद देयर जो साइन अप के टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ किया था उससे साइन इन कर सकता है और हमारे वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। और सिक्योरिटी कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो भी हम प्राइवेट मैसेजेस करते हैं या कोई भी प्राइवेट इंटरेक्टिविटी होता है तो दूसरे लोगों को उसका कोई भी इन्फो डिटेल्स नहीं मिलता है। और अनदर रीज़न कि हम ऑथेंटिकेशन अपने वेबसाइट पे क्यों ऐड करें, तो वेबसाइट का कुछ एरियाज होता है जहाँ हम सारे यूज़र्स को एक्सेस नहीं दे सकते, तो वो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना होता है। इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स पे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हो, लाइक हियर अगर तुमने 800 पर मंथ का किया तो आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग, नो एड्स वगैरह वगैरह। जो 500 पर मंथ को पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में उतने सारे एडवांटेजेस नहीं है। तो वही है कि आप अगर ज़्यादा पैसे दोगे तो आपको वेबसाइट का ज़्यादा एक्सेस मिलेगा, और कम दे रहे हो तो सारे एरियाज़ का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वही एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा कि हम ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी क्यों ऐड करना चाहिए, तो हर एक यूज़र के डेटा के साथ एसोसिएट करने के लिए उनका अकाउंट क्रिएट करना होता है वेबसाइट पे उसके लिए, और उनका कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स कहीं किसी और को पता ना चले इसके लिए। और दूसरा एक रीज़न है कि हमारे वेबसाइट के सारे एरियाज हर एक यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं होते, तो वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी यूज़ करना होता है। तो हम जो ट्यूटोरियल है उसमें ये 6 लेवल्स इन्वॉल्व होंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे रजिस्टर यूज़र विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई यूज़र होता है वो हमारे वेबसाइट पे विज़िट करता है तो हम उसको कैसे साइन अप करेंगे विद देयर यूज़र नेम और पासवर्ड। लेवल 2 में हम देखेंगे डेटाबेस इंक्रिप्शन। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई यूज़र अपने ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन इन कर रहा है तो उसका पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे करेंगे।
वो देखेंगे ताकि कोई भी हैकर वो पासवर्ड जान ना सके। बट फिर भी इंक्रिप्शन ये अभी ओल्ड हो गया है, बट फिर भी हमें सीखना चाहिए क्योंकि आगे का कंसेप्ट समझने के लिए हमें ये इंक्रिप्शन समझ लेना चाहिए। लेवल 3 देखेंगे हैशिंग। इसमें क्या होगा कि हम जो पासवर्ड है उसका लेंथ और उसका कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि कोई भी हैकर अपने जो पासवर्ड डाला है उसको ना जान सके और आपके पर्सनल डिटेल्स ना जान सके। इसलिए हम हैशिंग देखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हैशिंग, तो ये ज़रूर देखिएगा। लेवल 4 है सॉल्टिंग एंड हैशिंग पासवर्ड विद बिटक्रिप्ट। तो इसमें क्या होगा, हैशिंग का एडवांस लेवल हम देखेंगे जिसमें सॉल्टिंग वगैरह इन्वॉल्व होगा। लेवल 5 है ऐड कुकीज़ एंड सेशंस। तो आजकल के सारे वेबसाइट्स में हम देखते हैं कि अगर आप साइन अप किया तो कुकीज़ एंड सेशंस एक्सेप्ट करना होता है। तो वो क्या है, तो वो हम लेवल 5 में देखेंगे, तो आप ज़रूर वो ट्यूटोरियल देखिएगा। एंड लेवल 6 है OAuth 2.0 एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट साइन इन विद कुकर। तो बहुत बार आप साइन इन या साइन अप करते हैं वेबसाइट पे, तो हर बार आप अपना ईमेल या पासवर्ड डालते नहीं हैं, तो गूगल पे वो सेव्ड रहता है। तो अब डायरेक्टली अब हम गूगल पे साइन इन कैसे करेंगे, मतलब जैसे वहाँ ऑप्शंस रहता है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, ऐसा करके, तो हम वो क्या कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लेवल 6 में देखेंगे। तो ये सारे वीडियोस, ये सारे टॉपिक्स ये ट्यूटोरियल में इन्वॉल्व होंगे, कवर होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी और उसके सारे लेवल्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में ज़रूर देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आगे के ट्यूटोरियल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।